उत्तर प्रदेश के जलौन में विश्व विकलांग दिवस के मौके पर भारतीय दिव्यांग परिषद जलौन ने अपनी 14 सूत्रों मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में दिव्यांग लोग शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से कार्यवाही की अपील की है। दिव्यांगों ने अपनी अहम मांग के रूप में पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। भारतीय दिव्यांग परिषद जनपद जलौन के हर जिले में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो मांग पत्र है कि जो पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है, 1,000 में कुछ नहीं हुआ, 5,000 रुपये मांग की है। बहुत से गरीब हमारे विकलांग हैं, विधवा हैं, वृद्धा हैं, इनके गुलाबी राशन कार्ड बनाए जाए तभी कुछ हुआ। इनको तो ना कॉलोनी दी जा रही है, ना कोई लाभ मिल रहा है। हम अपनी कार्यालय की भी जगह मांग रहे हैं, हमारे कोई कार्यालय नहीं है। हम फुटपाथ पर यहाँ अपना हर साल यहाँ कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, तो अगर मांगे नहीं होती तो फिर आगे अगर मांग नहीं होती, ज्ञापन अभी दे रहा है, अगर मांग नहीं होती तो हम 1 महीने का समय लेते हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमारी कोई मांगे नहीं होती तो इसलिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। नेशन मिरर के लिए जलौन से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।